चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। अब आज की क्लास के अंदर हम समझेंगे जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनके थ्रू जब उनको कोई वस्तुएं मिलती हैं, पुरावस्तु जो मिलती है उन पुरावस्तुओं का वो वर्गीकरण कैसे करते हैं और उन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो किसी विशेष प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करा देती हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक क्या है बेटा, पुरातात्विकों द्वारा खोजों का वर्गीकरण। आपको पता है कि पुरातात्विक जो है अपने अध्ययन के द्वारा जो है कई तरह की वस्तुएं प्राप्त करते हैं, कई तरह की पुरावस्तुएं यानी प्राचीन समय की वस्तुएं प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर उन वस्तुओं को वो डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड करने का मतलब क्या है कि भाई ये अमीर की थी या गरीब की थी, ये कितने साल पहले की थी, जो विकसित सभ्यता की थी या फिर आरंभिक सभ्यता की थी, ये भी सब हमें जानना जरूरी है भाई। तो यहाँ पर देखो बेटा कि हमारे जो पुरावस्तु हैं वो पुरावस्तु की प्राप्ति के बाद जो है हमारे पुरातात्विक जो है अपनी खोजों का वर्गीकरण जो है कई आधार पर करते हैं। वो आधार कौन से, प्रयोग होने वाले पदार्थों के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर जो है हमारे पुरातात्विक जो है पुरावस्तुओं का वर्गीकरण कर देते हैं, पुरावस्तुओं का वर्गीकरण कर देते हैं या फिर अपने खोज का वर्गीकरण कर देते हैं। तो पहले समझते हैं टॉपिक प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर। आपको याद होगा कि हमने एक क्लास के अंदर डिस्कस किया था, एक टॉपिक लिया था बेटा हमने सामाजिक आर्थिक भिन्नता। तो हमने वहां पर सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का पता लगाने के लिए हमने समाधान और लग्जीरियस थिंग यानी हम लोगों ने जीवन निर्वाह की कुछ वस्तुओं के उदाहरण लिए थे। तो वहां पर हमने एक वर्ड पढ़ा था फ्योन्स, आपको याद होगा हमने एक वर्ड पढ़ा था क्या बेटा फ्योन्स। फ्योन्स होता क्या है, फ्योन्स एक ऐसी वस्तु थी जो दुर्लभ थी और जो शायद मेरे ख्याल से शायद वो महंगी भी थी, जिसका अर्थ ये निकाला गया कि शायद ये वस्तु जो है अमीरों तक ही सीमित होगी। तो खोजों के माध्यम से कई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, कई सारी वस्तुएं मन के मोहरे ईट आपके मिट्टियों के बर्तन वगैरह हमें कई सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन फिर हमने उस वस्तुओं को जो है प्रयोग के आधार पर डिवाइड कर दिया कि ये अमीरों की वस्तुएं हैं और ये क्या बेटा गरीबों की वस्तुएं हैं। ये समझ आया बेटा। सेकेंड आधार क्या था, उपयोगिता के आधार पर। अब उपयोगिता का मतलब भाई वस्तुएं तो कई सारी होती हैं लेकिन हर वस्तु का उपयोग क्या होता है अलग अलग होता है, ये आपको पता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ही वस्तु द्वारा कई तरह एक ही वस्तु को जो है हम कई सारे कार्यों में उपयोग करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आज की बात करूं चाकू, चाकू आपको पता है कि कैसा कैसी वस्तु बेटा, ये सब्जियों को काटने के लिए प्रयोग होती है प्लस किसी का मर्डर करने के लिए भी होती है। तो कभी कभार हमारे पुरातात्विकों को जो पुरावस्तु मिलती है उन वस्तुओं को वो प्रयोग के आधार पर उपयोगिता के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं, वो अनुमान लगाते हैं कि शायद इस वस्तु का प्रयोग औजार के तौर पर होता होगा, शायद कुछ वस्तुओं का प्रयोग रोजमर्रा के लिए होता होगा और शायद कुछ वस्तुओं का प्रयोग शस्त्र के तौर पर भी होता होगा यानी हथियारों के लिए भी होता होगा, यानी उपयोगिता के आधार पर जो है वस्तुओं को बांट दिया करते थे। ठीक है बेटा, आगे क्या बेटा, अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर। अब अप्रत्यक्ष कहते हैं कि हमारे पुरातात्विकों को उत्खनन के माध्यम से कई सारे पुरा स्थलों पर या फिर कहा जाए हड़प्पा स्थलों पर कपास के टुकड़े मिले हैं। कपास के टुकड़े का मिलने का मतलब है कि शायद वो कपास के वस्त्रों का प्रयोग करते होंगे, लेकिन वो शायद आ रहा है या फिर एक एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है कि वो कपास का प्रयोग कपड़ों के लिए करते थे या नहीं करते थे, लेकिन कुछ मूर्तियां ऐसी प्राप्त हुई हैं जिनके पहनावे से अनुमान लगाया जाता है कि शायद इनका पहनावा होता होगा। तो यानी मूर्तियों की सहायता से ये पता लगाया गया है कि वहां पर वस्त्रों का प्रयोग जो है वस्त्रों के प्रयोग में कपास का प्रयोग होता होगा। तो उस तरह के साक्ष्यों को हमने अप्रत्यक्ष आधार माना है, अप्रत्यक्ष साक्ष्य माना है जो पुरावस्तु के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। तो यहां पर हमने समझा बेटा कि किस तरह से जो भी खोज होती है उस खोजों के आधार पर जो है हम वर्गीकरण करने के लिए इन तीन आधार को फॉलो करते हैं, प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर और अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर। अब आते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट पे, धार्मिक जानकारी और मोहरे। धार्मिक जानकारी और मोहरे, अब इसमें क्या करना है, इसमें समझना बेटे क्या करना है भाई, हमें पढ़ना है कि हड़प्पा काल की धार्मिक जानकारी और मोहरों का क्या रिलेशन है, क्या संबंध क्या है। पहले इसको देखो बेटा, मोहरों पर कुछ अनुष्ठान के दृश्य बने हुए, अनुष्ठान मतलब पूजा पद्धति की, अनुष्ठान मतलब पूजा पद्धति की क्या बेटा दृश्य बने हुए हैं जो धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं,
पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी मोहरों पर जो भी अनुष्ठान के दृश्य प्राप्त हुए हैं वो कहीं ना कहीं हड़प्पा काल की धार्मिक जीवन को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। देन आगे क्या बोलते हैं बेटा, आगे हम बोलते हैं कि कुछ मोहरों पर पेड़ पौधे के चित्र उत्कीर्ण थे, यानी चित्र बने हुए हैं जो दर्शाते कि शायद हड़प्पा वासी जो है प्रकृति की पूजा किया करते थे। कुछ मोहरों पर जानवरों के चित्र भी प्राप्त हुए हैं, यानी पशुओं की पूजा भी करते थे। साथ साथ में हम कहते हैं कि कुछ मोहरें ऐसी हैं जिस पर एक आकृति ऐसी बनी हुई है जहां पर वो आकृति के अंदर पालथी मारकर एक योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। एक ऐसी आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी जानवरों से घिरा दर्शाया गया है, जो हिंदुओं के प्रमुख देवता आद्य शिव है। जो क्या बेटा, हिंदुओं के प्रमुख देवता आद्य शिव है, प्रोटो शिवा है। और ध्यान देना, जानवरों से घिरा दर्शाया गया है, मतलब क्या है कि शायद इनको हम पशुपति कहते थे, और पशुपति हम किन्हें बोलते हैं आज हिंदू धर्म के अंदर, भगवान शिव को कहते हैं। तो जो आद्य शिव हैं, वो आद्य शिव ही हमारे पशुपति हैं, वही हमारे शंकर भगवान, हमारे भोलेनाथ हैं। ऐसा हमें मोहरों से जानकारी प्राप्त हो रही है। यानी मोहरे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आपको हड़प्पा काल की धार्मिक जानकारी जो है उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये था आज की क्लास के लिए। आज की क्लास के दो कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहे हैं कि पुरातात्विक अपनी खोज के माध्यम से अपनी पुरावस्तुओं का वर्गीकरण कैसे करते थे, और मोहरे आपको हड़प्पा काल की धार्मिक जानकारी कैसे उपलब्ध कराते हैं। तो ये था आज की क्लास है। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, प्यार से अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक कमेंट करें। ऑल द बेस्ट।